देखो आपके पास है एक्सरसाइज 16A, ठीक है, लोकस की, ठीक है। नाउ फर्स्ट क्वेश्चन है गिवन पी क्यू इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। पी क्यू जो है वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, ठीक है, परपेंडिकुलर यानी कि एंगल वन और एंगल टू के आपस में इक्वली है। ये आपके पास गिवन दिया है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है गिवन में, ठीक है। तो गिवन क्या है, एंगल वन इज इक्वल टू एंगल टू ऑफ साइड ए बी, ए बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, तो एंगल वन एंगल टू इक्वल है, और ए बी और बी बी भी इक्वल है, ए पी एंड पी बी आर इक्वल, ठीक है। अब आपने लिखा है प्रूफ, टू प्रूफ आपने क्या प्रूफ करना है कि क्यू इज इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट ए एंड बी, जो क्यू पॉइंट है उसका डिस्टेंस ए पॉइंट और बी पॉइंट से बराबर है, यानी कि अगर मैं इसको मिला दूं तो ये ए क्यू और बी क्यू आपने इक्वल प्रूफ करने हैं, ठीक है। तो मैं इन दोनों ट्राइंगल्स को इस ट्राइंगल इस टाइम कॉन्वर्ट कर दूं, तो कॉन्वर्ट करने से क्या हो जाएगा मेरे पास, ठीक है, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल हो जाएंगी, ठीक है। आ जाओ इन ट्राइंगल ए क्यू पी एंड ट्राइंगल बी क्यू पी नंबर वन, ठीक है। आपके पास देखो ए पी और पी बी इक्वल दिए हैं, नंबर टू एंगल वन एंड एंगल टू इक्वल दिए हैं, ये आपके पास दोनों क्या है गिवन, एंड नंबर थ्री, नंबर थ्री देखो पी क्यू कॉमन दोनों में, पी क्यू साइड जो है दोनों ट्राइंगल में कॉमन है, तो देखो मेरे पास कौन सी प्रॉपर्टी लग रही है, ठीक है, साइड एंगल साइड, टू साइड और बीच में एंगल, साइड साइड और बीच में एंगल, तो मेरे पास ट्राइंगल ए क्यू पी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल बी क्यू पी बाय साइड साइड, सॉरी नॉट साइड साइड साइड, इट इज साइड एंगल साइड कॉन्टेंसी, तो देयर फॉर कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स, ठीक है, देयर फॉर कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स मैं लिख सकता हूं कि ए क्यू और बी क्यू इक्वल होंगे, सी पी सी टी कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्वेक्स ट्राइंगल्स आर इक्वल, तो आपने ये प्रूफ करना था, हेंस ठीक है, जो ए क्यू और बी क्यू इक्वल प्रूफ कर दिया आपने, ये डिस्टेंस इक्वल है, इसका मतलब जो क्यू पॉइंट है वो ए पॉइंट और बी पॉइंट से क्या है इक्वल डिस्टेंस पर है, यानी कि आपके पास प्रूफ हो गया, ठीक है। तो ये इसका प्रूफ था। देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड, इसमें आपको दिया है गिवन सी पी इज द बाइसेक्टर, सी पी जो है वो बाइसेक्टर है ऑफ एंगल सी, एंगल सी का बाइसेक्टर, यानी कि एंगल वन और एंगल टू आपके पास गिवन है क्या है ये इक्वल, ठीक है, एंगल वन इज इक्वल टू एंगल टू, क्यों, सी पी जो है वो बाइसेक्टर है एंगल सी का ऑफ ए ट्राइंगल एबीसी। नाउ ये चीज तो आ गई, अब आपको लिखा है प्रूफ दैट, टू प्रूफ आपने क्या प्रूफ करना है कि P जो है वो इक्वल डिस्टेंस है फ्रॉम ए सी एंड बी सी। देखो मेरे पास ए सी एंड बी सी, देखो एक लाइन मैंने बना ली ए सी, अब ठीक है ए सी एंड बी सी, ठीक है देखो ये ए सी लाइन मैंने बना ली, ठीक है, अब मुझे बी सी लाइन बनानी है, तो देखो सी पॉइंट कॉमन तो बी सी लाइन ऐसे बनेगी कुछ, तो देखो बी सी लाइन एंड ए सी लाइन, अब आपको निकालना है एक पॉइंट पी जो इन दो लाइन से बराबर दूरी पर है, इन दो लाइन से बराबर दूरी पर एंगल बाइसेक्टर बनता है, मान लो ये कोई पॉइंट आ गया, बराबर दूरी का मतलब क्या है, ये जो है आपके पास लोकस पर जो पॉइंट है यहां से और यहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये और ये बराबर है, ये चीज इन्होंने पूछी है, ठीक है। बोलते हैं फिर सुन लो, आपके पास क्या है कि ये टू लाइंस हैं, ठीक है, दिस इज बी सी एंड ए सी लाइन, ठीक है, बोलते हैं पी इज इक्वल डिस्टेंस, पी कोई पॉइंट है जो इक्वल डिस्टेंस होगा इन दोनों से, ठीक है, वो तो नेचुरल सी बात है एंगल बाइसेक्टर पे जाएगा, तो आपको प्रूफ करना है कि जो पी पॉइंट है, पी पॉइंट कहीं भी हो सकता है, आप कहीं भी ले लो, मानो मैंने ये ले लिया पी पॉइंट, ठीक है, तो आपको प्रूफ करना है कि जो पी पॉइंट है वो बी सी और ए सी लाइन से बराबर दूरी पर है, तो बराबर दूरी का मतलब है इक्वल डिस्टेंस का मतलब है कि यहां से जो परपेंडिकुलर बनेगा ये पी डी और यहां से जो परपेंडिकुलर बनेगा इस लाइन पर ये यानी कि पी क्यू, ये दोनों इक्वल प्रूफ करने को बोले, ठीक है। आ जाओ अब इस क्वेश्चन में, अब यहां पर ए सी लाइन ये है और बी सी लाइन ये है, तो पी पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो बी सी लाइन पर, ठीक है,
और पी पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो एसी लाइन पर, ठीक है। तो आपको प्रूफ करना है कि ये पॉइंट आ गया मान लो क्यू एंड आर, तो आपको प्रूफ करना है कि पी क्यू और पी आर क्या है इक्वल, आया समझ में? ठीक है, देखो आपको बोला है एसी लाइन और बीसी लाइन जो है वो इक्वल डिस्टेंस पर पी पॉइंट से। यार पी पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पर हम कैसे मेजर करेंगे? डिस्टेंस ही मेजर करेंगे, ठीक है। तो पी पॉइंट से यहां तक का डिस्टेंस और पी पॉइंट से इस लाइन तक का डिस्टेंस, ठीक है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये आपको प्रूफ करना है कि ये दोनों इक्वल प्रूफ करने हैं, ठीक है। पहले क्वेश्चन सम प्रूफ तो हो जाएगा, प्रूफ में कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर समझ में आना चाहिए हमने लेना कैसे है, ठीक है। ओके, तो ये दोनों एंगल आ गए, मान लो ये एंगल थ्री एंड एंगल फोर, तो आपके पास एंगल थ्री एंड एंगल फोर भी 90 डिग्री दिए हुए हैं, ठीक है। तो गिवन ही आ गया, गिवन नहीं आया तो छोड़ पर है, ठीक है, बाद में देखते हैं। देखो प्रूफ, अब मैं क्या करूंगा, दो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट कर दूंगा इन दोनों ट्राइंगल्स को, ठीक है, तो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल हो जाएंगे। तो देखो इन ट्राइंगल क्यू सी पी एंड ट्राइंगल आर सी पी, इन दो ट्राइंगल्स ले लिए। नंबर वन देखो, दोनों में साइड सी पी सी पी कॉमन है, ठीक है। नंबर टू, एंगल वन इज इक्वल टू एंगल टू गिवन है, ठीक है। एंड नंबर थ्री इज एंगल थ्री इज इक्वल टू एंगल फोर, दोनों 90 डिग्री ईच, क्योंकि आप जब परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालने को बोला है तो डिस्टेंस तो हमेशा परपेंडिकुलर ही आएगा, तो परपेंडिकुलर होगा तभी तो ये डिस्टेंस, ठीक है, डिस्टेंस होगा, ठीक है। तो ये परपेंडिकुलरली हमें गिवन है, ठीक है। तो यहां से देखो एंगल एंगल साइड, ठीक है, तो ट्राइंगल यहां पर जो है ट्राइंगल क्यू सी पी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल आर सी पी बाय एंगल एंगल साइड प्रॉपर्टी। तो देयरफॉर कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स कौन से होंगे? पी क्यू इज इक्वल टू पी आर, ठीक है, लिख सकते हैं, क्योंकि सी पी सी टी कॉरस्पॉन्डिंग ऑफ पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स आर इक्वल, और यही आपने प्रूफ करना था, हेंस टू प्रूफ हो गया, ठीक है। एक बार फिर सुन लो, अगर आपके पास ये कोई दो लाइन है और आपको, ठीक है, लोकस भी दिया है, ठीक है, तो आपको बोलते हैं कि ये बताओ कि इस लोकस पर कोई भी पॉइंट, मान लो ये पॉइंट आ गया, ये लोकस जो है इस ए सी लाइन और ए बी लाइन से बराबर दूरी पर होगा, तो आपको P पॉइंट से यहां पर AC लाइन पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करना पड़ेगा और P पॉइंट से आपको B लाइन पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये जो PC और PB अगर आप इक्वल प्रूफ कर दो, ठीक है, तो इसका मतलब होता है कि ये जो लोकस है, ये जो है लोकस, ठीक है, यानी कि जो पॉइंट P है वो AB लाइन और AC लाइन से इक्वल डिस्टेंस पर है। ओके, देखो क्वेश्चन नंबर थर्ड, गिवन AX बाइसेक्ट एंगल BAC, AX बाइसेक्ट एंगल BAC, यानी कि ये एंगल और ये एंगल क्या है इक्वल, गिवन क्या दिया आपके पास, ठीक है। सबसे पहले लिख लिया करो, ये एंगल वन इज इक्वल टू एंगल टू, क्योंकि बाइसेक्टर दिया है BAC का, AX जो है वो एंगल BAC का बाइसेक्टर है, एंड PQ इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AC, और जो PQ है वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है AC का, ये 90 दिया है और ये दोनों क्या है इक्वल, यानी कि आपके पास क्या दिया है AP इज इक्वल टू PC, AP और आपके पास PC में क्या दिए हैं इक्वल, ठीक है। AP इज इक्वल टू, ये AP इज इक्वल टू PC एंड ये एंगल ले लो, ठीक है, ये दोनों एंगल क्या है, एंगल थ्री एंड एंगल फोर आर 90, एंगल थ्री इज इक्वल टू एंगल फोर इज इक्वल टू 90, ठीक है। टू प्रूफ, ठीक है, टू प्रूफ आ जाओ फर्स्ट, ठीक है, फर्स्ट में क्या प्रूफ करना है, एक्स इज इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम ए बी एंड ए सी, एक्स जो है ये दो लाइंस हैं आपके पास, ठीक है, ए बी एंड ए सी, एक्स जो है वो इक्वल डिस्टेंस है, एक्स क्या है ये कोई एक्स आ रहा है, एक्स ये जो लाइन बनी आपके पास ए एक्स, ठीक है, एक्स कोई पॉइंट है, ये ए सी और बी सी लाइन से बराबर दूरी पर है, यानी कि आपको क्या निकालना है, ये डिस्टेंस, यानी कि एक्स सी
और एक्स बी इक्वल प्रूव करना है, यानी कि आपको क्या इक्वल करना है इसमें, ठीक है, एक्स से ए बी लाइन पर परपेंडिकुलर, एक्स से ए बी लाइन पर परपेंडिकुलर, ठीक है, यानी कि लेट दिस पॉइंट इज आर, ठीक है, एंड एक्स पॉइंट से ए सी लाइन पर परपेंडिकुलर, ए सी लाइन पर परपेंडिकुलर, यहां से मान लो आपने परपेंडिकुलर ये आ गया, लेट दिस पॉइंट इज एस, ठीक है। तो आपको प्रूव करना है कि जो एक्स आर है वो किसके इक्वल होगा, एक्स एस के इक्वल होगा, ठीक है, नहीं दिख रहा है तो मैं इसलिए अलग फिगर बना देता हूं आपके लिए, ठीक है, ये कुछ ऐसा है, ठीक है, मैं इस लाइन को निकाल रहा हूं, तो ये मेरे पास पहले पार्ट के लिए ये एक्स दिया है, दिस पॉइंट इज ए एंड बी पॉइंट एंड दिस इज सी पॉइंट, तो यहां से यहां का परपेंडिकुलर दिस पॉइंट इज आर और यहां से यहां का परपेंडिकुलर एंड दिस पॉइंट इज एस, मैंने पी क्यू लाइन ली मेरे काम के लिए अभी, तो मुझे यहां पर एक्स आर और एक्स एस इक्वल प्रूफ करें, तो मैं इन दो ट्राइंगल को कॉन्फिडेंट कर दूं, कौन सी ट्राइंगल, इन ट्राइंगल ए एक्स आर एंड ट्राइंगल ए एक्स एस, ठीक है, ये दो ट्राइंगल्स आ गई। देखो नंबर वन ये जो एंगल है, ठीक है, कौन सा, ए आर एक्स, एंगल ए आर एक्स इज इक्वल टू ए एस एक्स, एंगल ए एस एक्स 90 डिग्री ईच, वो डिस्टेंस हम करेंगे तो परपेंडिकुलर ही मेजर करेंगे। नंबर टू एंगल सॉरी साइड ए एक्स इज इक्वल टू ए एक्स कॉमन है। नाउ नंबर थ्री देखो, ये एंगल वन और ये एंगल टू, एंगल वन और एंगल टू इक्वल है, ठीक है, क्यों इक्वल है, क्योंकि ये हमें गिवन है, ठीक है, देख लो गिवन है कि नहीं, हाँ गिवन है, तो देखो यहां पर देखो कौन सी साइड, ये साइड, ये एंगल, तो एंगल एंगल साइड प्रॉपर्टी लग रही है, तो ट्राइंगल ए एक्स आर इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए एक्स एस बाय विच प्रॉपर्टी, एंगल एंगल साइड, अगर एंगल एंगल साइड और ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है तो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स क्या हुए इनके, एक्स आर एंगल वन के सामने एक्स आर, एंगल टू के सामने एक्स एस इक्वल होंगे, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट एंगल, ठीक है, तो ये मेरे पास फर्स्ट पार्ट प्रूफ हो गया। ओके आ जाओ नाउ सेकंड पार्ट, ठीक है, सेकंड पार्ट में आपको क्या प्रूफ करना है कि वाई इज इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट ए एंड सी, ठीक है, देखो y इज इक्वल डिस्टेंस प्रूफ करना है, ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूं यहां पर फिगर ले लो, ये जस्ट ये फिगर है, ठीक है, ऐसे ही है, तो ये ऐसे है, ठीक है, दिस पॉइंट इज ए एंड दिस पॉइंट इज बी एंड दिस पॉइंट इज सी, ठीक है, एंड दिस पॉइंट इज पी, y इज इक्वल डिस्टेंस, y कहाँ है पॉइंट, ठीक है, यार इसको रफ कर दो और इसको भी मैं रफ कर रहा हूँ, ठीक है, हाँ मेरे पास जगह नहीं, आप ड्रॉ कर लेना बाद में, ठीक है, तो देखो वाई जो है वो इक्वल डिस्टेंस पर होगा, कौन सा, वाई पॉइंट, ओके, कौन सा, वाई पॉइंट कहां से, ए पॉइंट, ए पॉइंट, यानी कि टू प्रूफ क्या करना है यहां पर, ठीक है, y इक्वल डिस्टेंस होगा कहां से, ए पॉइंट से और सी पॉइंट से, यानी कि आपको प्रूफ करना है ए वाई और सी वाई क्या है, इक्वल है, ठीक है, तो मैं इन दोनों ट्राइंगल को कॉन्क्रेट कर दूं, इक्वल हो जाएंगे, देखो इन ट्राइंगल ए वाई पी एंड ट्राइंगल सी वाई पी, ओके नंबर वन, ठीक है, मैं एंगल फोर ले रहा हूं, एंगल थ्री इज इक्वल टू एंगल फोर, ठीक है, 90 डिग्री इच गिवन है आपके पास, ठीक है, नाउ नंबर टू वाई पी इज इक्वल टू वाई पी कॉमन है, ठीक है, एंड नंबर थ्री, नंबर थ्री आपके पास ए पी एंड पी सी आर इक्वल, ठीक है, ए पी एंड पी सी आर इक्वल कहां से, गिवन, ठीक है, अब देखो एंगल थ्री एंगल फोर एंड ये साइड, ठीक है, और ये साइड एंगल साइड साइड एंगल साइड, तो ट्राइंगल कौन सी ट्राइंगल,
AYP is congruent to triangle CYP by side angle side congruency. ठीक है, तो साइड एंगल साइड से कॉन्ग्रेंट हो गए ट्राइंगल। ठीक है, अगर ये ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट है तो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स, देयरफॉर मैं लिख सकता हूं कि ए वाई और सी वाई इक्वल है, सी पी सी टी, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल आर इक्वल, तो हेंस प्रूफ। देखो फिफ्थ क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट, इनमें क्या दिया आपके पास, इन ईच ऑफ द गिवन फिगर्स, ये आपके पास दिए पी ए पी बी आर इक्वल, ठीक है, एंड क्यू एंड दिस पॉइंट इज क्यू, क्यू ए एंड क्यू बी आर इक्वल, ठीक है, और इन सेकंड फिगर पी ए पी बी एंड क्यू ए एंड क्यू बी आर इक्वल, ठीक है, तो ये बोलते हैं कि प्रूफ इन ईच केस प्रोड्यूस्ड इफ रिक्वायर्ड इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी। ठीक है, इन ईच केस प्रोड्यूस्ड, ठीक है, आपको प्रोड्यूस करना है, ठीक है, ठीक है, प्रूफ इन ईच केस, ठीक है, ये क्वेश्चन छोड़ दिया, दैट पी क्यू, ठीक है, पी क्यू को प्रोड्यूस करना है, ठीक है, इन केस आप क्या करोगे, पी क्यू को प्रोड्यूस करोगे दोनों केसेस में, हाँ मैंने कर दिया, ठीक है, तो बोल रहे हैं इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी, आपको प्रूफ करना है कि ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, तो फर्स्ट पार्ट में आपको प्रूफ करना है ये जो एंगल वन और एंगल टू इक्वल इज इक्वल टू 90 डिग्री, और क्या प्रूफ करना है आपको कि ये जो है लेट दिस पॉइंट इज डी, ए डी इज इक्वल टू डी बी, ये प्रूफ करना है, बोल रहे हैं कि इन ईच केस, हर केस में आपने जो पी क्यू को प्रोड्यूस करना का जरूरी है, मैंने प्रोड्यूस किया, ठीक है, डी पॉइंट में मिल गया, तो बोलते हैं इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी, प्रोड्यूस करने पर ये जो बन रहा है वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा ए बी का, यानी कि ए डी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मीन्स अगर ये लाइन इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, मतलब ये साइड दोनों इक्वल है और ये 90 डिग्री है, ये आपने प्रूफ करना है, ठीक है, तो आ जाओ प्रूफ में, तो मैं यहां पर देखो अगर इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रेंट कर दूं तो हो जाएगा, पर इन दो ट्रायंगल्स में मेरे पास ए क्यू और क्यू बी इक्वल है और ये क्यू डी कॉमन साइड है और कुछ भी नहीं है, ठीक है, तो देखो उसके लिए मैं क्या करूंगा पहले, ठीक है, देखो इन ट्रायंगल ए क्यू पी, ठीक है, एंड ट्रायंगल बी क्यू पी, ये दो ट्रायंगल ही मैंने, ठीक है, देखो यहां पर पी क्यू इज इक्वल टू पी क्यू कॉमन आ गया, एंड नंबर टू ए क्यू इज इक्वल टू क्यू बी एंड ए पी इज इक्वल टू बी पी, ये आपके पास गिवन है, तो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट है, ए क्यू पी इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल बी क्यू पी बाय साइड साइड साइड, ठीक है, तो इसका मतलब ये जो एंगल आया एंगल थ्री और ये एंगल फोर इक्वल होंगे, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स में कोई इनकी जरूरत है, तो एंगल थ्री इज इक्वल टू एंगल फोर सी पी सी टी कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल्स, ठीक है, इक्वल है, ओके, अब ढंग से देखना जरा, मैं थोड़ा बड़ा कर दूं फिगर शायद आपको दिखे ना, ये कुछ ऐसे है, ये कुछ ऐसे है, मैंने ये एंगल थ्री और ये एंगल फोर इक्वल कर दिए हैं, मैंने मान लिया ये एंगल है मेरे पास एक्स और ये एंगल है वाई, ठीक है, देखो एंगल थ्री प्लस एक्स जो होगा वो 180 डिग्री होगा लीनियर पेयर, और एंगल फोर प्लस वाई भी क्या होगा 180 डिग्री होगा लीनियर पेयर, ठीक है, राइट हैंड साइड इक्वल, तो एंगल थ्री प्लस एक्स इज इक्वल टू एंगल फोर प्लस एंगल वाई, एंड एंगल थ्री एंड एंगल फोर आर इक्वल, कट गए, तो एक्स और वाई भी क्या होंगे इक्वल, तो ये आ गया इसका प्रूफ, ठीक है, तो मेरे पास कौन सा एंगल एक्स और वाई, ठीक है, ये एंगल वन और ये एंगल था टू, तो ये एंगल आ गया आपके पास एक्स, ये एंगल आ गया वाई, ठीक है, तो आ जाओ इन ट्राइंगल ए क्यू डी एंड ट्राइंगल बी क्यू डी, ए क्यू डी बी क्यू डी, ए क्यू और बी क्यू इक्वल है, ए क्यू इज इक्वल टू बी क्यू नंबर वन, ठीक है, एंड एक्स इज इक्वल टू वाई एंगल, ठीक है, ये तो आपके पास गिवन था, ठीक है, इसको नंबर दे दो फ्रॉम वन, ये अभी आपने प्रूफ किया फ्रॉम वन, एंड दिस इज क्यू डी साइड, क्यू
क्यू डी इज इक्वल टू क्यू डी कॉमन है साइड, ठीक है। अब देखो ये साइड ये एंगल और ये साइड, ये साइड ये एंगल और ये साइड, तो साइड एंगल साइड, तो ट्रायंगल ए क्यू डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल बी क्यू डी बाय साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी। अगर ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स, देयरफॉर ए डी इज इक्वल टू डी बी होगा और एंगल वन इज इक्वल टू एंगल टू होगा, ठीक है। अब देखो एंगल वन प्लस एंगल टू क्या है, ये तो दोनों है सी पी सी टी से 180 डिग्री लीनियर पेयर है एंगल वन प्लस एंगल टू, तो देखो दोनों एंगल इक्वल है तो क्या जाएगा, टू एंगल वन इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो एंगल वन कितना आ गया 90 डिग्री, और एंगल वन किसके इक्वल है एंगल टू के, तो एंगल वन और एंगल टू क्या आ गया मेरे पास 90 डिग्री, ठीक है। तो ये देखो एक तो ये प्रूफ करना था आपने और एक ये प्रूफ करना था, टू प्रूफ में यही था, तो ये आपके पास फर्स्ट पार्ट प्रूफ हो गया। ओके आ जाओ नाउ इन सेकंड पार्ट, इसको रफ कर दूं, ठीक है। देखो इन सेकंड पार्ट में आपने क्या प्रूफ करना है, ठीक है। सेकंड पार्ट में आपने प्रूफ करना है ये जो है, यानी कि ये पॉइंट, लेट दिस पॉइंट इज आर, ठीक है। तो आपको प्रूफ करना है एंड दिस एंगल इन दिस फिगर, मैं इस फिगर में एंगल वन एंगल टू ले रहा, कि एंगल वन और एंगल टू 90 डिग्री प्रूफ करने हैं, एंड नंबर टू आपको प्रूफ करना है कि ए आर इज इक्वल टू आर बी, सेम वैसे ही करेंगे। तो देखो अगर मैं इन दो ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट कर दूं, नंबर वन दिस साइड कॉमन एंड दिस साइड आर इक्वल, और कुछ भी नहीं है इसमें, ठीक है। तो देखो मैं क्या कर रहा हूं, इन ट्रायंगल ए पी क्यू एंड ट्रायंगल बी पी क्यू, ट्रायंगल ले ली, नंबर वन ए पी इज इक्वल टू पी बी गिवन है, ए क्यू इज इक्वल टू क्यू बी गिवन है, एंड दोनों क्या है गिवन, एंड आपके पास देखो पी क्यू इज इक्वल टू पी क्यू साइड कॉमन है, तो इसका मतलब जो ट्रायंगल है ए पी क्यू वो कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल बी पी क्यू के बाय साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी, ठीक है। तो जब ये दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है तो इनके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल होंगे, तो ये साइड इसके सामने ये एंगल, उसके सामने ये एंगल, तो ये एक्स और वाई एंगल इक्वल हो गए, तो एक्स इज इक्वल टू वाई आ गया सी पी सी टी कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। आ जाओ नाउ, अब मेरे पास सब कुछ आ चुका है, नाउ इन ट्राइंगल ए पी आर, ए पी आर एंड ट्राइंगल बी पी आर, नंबर वन एक्स इज इक्वल टू वाई कहां से आया, फ्रॉम सेकंड, एंड नंबर टू ठीक है ए पी इज इक्वल टू पी बी, मैं इन दो ट्राइंगल्स की बात कर रहा हूं, ठीक है, ये आपके पास गिवन है, एंड नंबर थ्री आपके पास पी आर इज इक्वल टू पी आर साइड क्यों कॉमन है, ठीक है कॉमन साइड्स है तो कॉमन साइड तो आपस में इक्वल ही होती हैं। तो देखो ट्रायंगल ए पी आर जो है वो कॉन्ग्रुएंट हो गई है ट्रायंगल बी पी आर के, ठीक है, बाय किसे साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी से ये आपस में इक्वल हैं, इसका मतलब कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स क्या हुए, तो देयरफॉर ए आर इज इक्वल टू बी आर लिख सकते हैं, सी पी सी टी एंड एंगल वन इज इक्वल टू एंगल टू लिख सकते हैं, कहां से सी पी सी टी, और देखो एंगल वन प्लस एंगल टू क्या है आपके पास 180 डिग्री, क्यों लीनियर पेयर, तो दोनों एंगल इक्वल हैं तो टू एंगल वन क्या आ जाएगा 180 डिग्री, दैट इंप्लाइज एंगल वन इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है, और एंगल वन किसके इक्वल है एंगल टू के। तो देखो एक तो ये आ गया आपके पास और दूसरा ये, तो यही आपने प्रूफ करना था, ठीक है। तो हेंस प्रूफ, और आपसे आगे पूछा है इन्होंने, हेंस स्टेट द लोकस ऑफ पॉइंट्स इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम टू गिवन फिक्स पॉइंट, देखो यहाँ टू गिवन फिक्स पॉइंट के ए बी ए बी, तो आपको यहाँ लोकस स्टेट करना है, लोकस क्या होगा, ठीक है। तो देखो यहां पर लोकस क्या होगा, दो पॉइंट से, ठीक है, अगर दो पॉइंट हैं, ठीक है, तो
इनका लोकस क्या होता है, जो इनसे बराबर दूरी पर हो वो क्या होगा, इन पॉइंट्स को ज्वाइन कर दो, तो इन पॉइंट्स को ज्वाइन करने पर, इन पॉइंट्स को ज्वाइन करने पर जो इस लाइन का परपेंडिकुलर बाईसेक्टर होगा वो ही क्या होगा इसका लोकस। देखो इन दोनों को ज्वाइन करने पर जो पीडी बन रहा है कि परपेंडिकुलर बाईसेक्टर बन रहा है, यहां पर जो पीआर बन रहा है वो परपेंडिकुलर बाईसेक्टर बन रहा है, ठीक है। तो यहां पर ठीक है, तो यहां पर लोकस क्या होगा, जो परपेंडिकुलर बाईसेक्टर है टू फिक्स्ड पॉइंट का वही आपके पास यहां पर लोकस होगा, यही पूछा था। हेंस टेयर द लोकस ऑफ पॉइंट्स जो इक्वी डिस्टेंस है टू फिक्स पॉइंट से, तो टू फिक्स पॉइंट से इक्वी डिस्टेंस पर क्या है मेरे पास, ओनली परपेंडिकुलर बाईसेक्टर, टू फिक्स पॉइंट, दिस इज परपेंडिकुलर बाईसेक्टर एंड परपेंडिकुलर बाईसेक्टर, तो ये परपेंडिकुलर बाईसेक्टर जो है इक्वल डिस्टेंस पर है, ठीक है। तो यहां पर मैं क्या बोल दूंगा, जो परपेंडिकुलर बाईसेक्टर है ठीक है वही इसका क्या होगा, लोकस होगा।